अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी सीख कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले जी हमने आधा किलो बीफ ले लिया है और मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 2 इंच के अदरक लिए है, 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 हरी मिर्चें लिए हैं, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च लिया है, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। जी व्यूअर्स, तो पहले हम प्याज को अदरक लहसुन को इसको चॉप कर लेते हैं। ये देखें जी, मिनटों में मैंने इसके चॉप कर लिया और इसको शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद हमने ये जो खड़े मसाले लिए थे इसको भी ग्राइंड कर लेना है और इसमें शामिल कर जी व्यूअर्स, तो ये जी मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इसको भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़के आपने इसको मिक्स कर देना है और ये देखिए जी अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्स 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 और ये हो गया जी, मिक्स हो गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर आपके हाथ बहुत नाजुक हैं तो आप प्लीज़ इन पे ग्लव्स पहन लें। तो जी व्यूअर्स, मिक्स करने के बाद इसमें हमने डाला जी मीठा सोडा 1/2 टीस्पून और इसको शामिल करने के बाद हमने इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है और बेहतरीन से मिक्स 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 ये जी मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में और मिलते हैं जी 1 घंटे के बाद। जी व्यूअर्स, तो 1 घंटा हो चुका है, मैं बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। और जी हमने सीख कबाब की स्टिक्स ले ली हैं, जद्दी पुश्ती जो हमने दराज से मंगा कर रखी हुई, और इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, तो 1.5 टेबल स्पून हमने घी शामिल कर दिया और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ए वेखन नुकसान लगते ने बनाने बड़े औखे ने, जिन्हें बनाए ने उन्हें ही पता है कि किन्ने उन्हें पापड़ बेल के बनाए ने। फिर भी अगला तारीफ ना करे तो फिर तौर फिटे मुँह है उसकी। जी व्यूअर्स, ये जी मिक्स हो चुका है, अब हम इसको सीखों पे लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। जल्दी से मैं इसको सीखों पे लगा लेती हूँ। जी व्यूअर्स, कबाब को हमने सीखों के साथ लगा लिया है, अब हम इसको आराम से उतार लेंगे इनसे और इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, मैं इसको अलग कर लूँ। जी व्यूअर्स, सीखों से अलग कर लिया है और फटाफट से फ्राई पैन में ऑयल डाला, उसमें हमने कबाब डालने शुरू कर दिया और सारे कबाब शामिल कर देने हैं जल्दी जल्दी से। जैसे मैं मार रही हूँ आपने भी वैसे मारने हैं, और क्योंकि फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना तेज़ काम करने का। गैस तो हमारी फिर भी बंद हो चुकी थी, लेकिन जी मैंने भी प्लान बी के बारे में सोचा हुआ था। मुझे पता था लास्ट में मुझे लकड़ियाँ चलानी पड़ेंगी। और ये देखे जी मोए मोए ना हो, एडवेंचर ज़िंदगी में कोई ट्विस्ट ना आए, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये देखे जी, बड़ी मेहनत से मैंने ये कबाब बनाए। अगर तुम वीडियो ने लाइक ना किया तो फिर तुम मज़ा ही नहीं ले वीडियो दे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और ये जी 10 से 15 मिनट लगे हैं और हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है और इसको अब हम डिश आउट करेंगे। और ये है जी फाइनल लुक, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जूसी, टेस्टी, बहुत ही लजीज। इतनी तारीफ काफ़ी है, एवं थोड़े मुँह पानी आया ना तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, तुम नज़र ही लानी। ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से जाके आपने इसको ट्राई करना है और अपनी किचन में ऐसे खिलारा डाल लेना है जैसे मैंने डाला हुआ है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।